भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रतिदिन प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ भारत मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, परंतु गांव, देहात, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों करोड़ों आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोग परिवर्तन की इस राह से आज भी अनछुए व अनजान हैं। आरओ फाउंडेशन का उद्देश्य ऐसे ही पिछड़े वर्ग, विशेषतः महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए हर संभव अवसर प्रदान कर एक ऐसे समाज को बनाने का है, जहां सभी समान अधिकार, अवसर और गरिमा के साथ रह सके। शिल्पी उन्हीं महिलाओं में से एक है जिन्हें आरओ द्वारा सशक्त कर आजीविका और स्वावलंबी जीवन सुनिश्चित किया गया है। आरओ द्वारा स्थापित गांव के कालीन बुनाई करघे में 150 से अधिक महिलाएं शिल्पी की ही तरह अपना, अपने परिवार का और देश का उज्जवल भविष्य भी बुन रही हैं। आरओज यूएसपी आई वुड से इज 4 P's: पर्पस, पैशन, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। आई एम नीलम गुप्ता, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आरओ फाउंडेशन। आरओ की शुरुआत हुई मेरे बचपन में, जब मैं स्कूल जाती थी। रास्ते में, मुझे याद है, दिसंबर की सर्दी में एक छोटी लड़की बिना स्वेटर पहने ठंड में ठिठुर रही थी, और जब हम स्कूल जा रहे थे वह लड़की मुझे वहाँ खड़ी हुई दिखती थी। एक दिन मैंने अपना एक स्वेटर उतार कर उसे दे दिया। यह जो इच्छा थी एक समाज के लिए कुछ करने की, समाज को एक वापस देने की, वह हमेशा ही मेरे दिमाग में रही। और जैसे ही मौका मिला, बहुत सालों बाद मिला, परंतु जैसे ही थोड़ी जिम्मेवारियाँ पूरी हुई, परिवार की जिम्मेवारियाँ पूरी हुई और मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, उस दिन सब कुछ छोड़कर मैंने आरओ फाउंडेशन की शुरुआत की। और 2001 में आरओ फाउंडेशन को एक संस्था के रूप में रजिस्टर किया, और तब से यह हमारा जो जर्नी है आरओ फाउंडेशन की, उसकी शुरुआत हो गई। आरओ के कार्यक्रम एक मिशन के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ निर्देशित रहते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले 2 दशकों में आरओ ने 10 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया है। परिवर्तन की इस राह में आरओ को SDFC, HCL फाउंडेशन, AICL, वैपकॉस, आदित्य बिरला, गेल, सेल, ONGC जैसे प्रमुख कॉरपोरेट, सरकारी विभाग व उपक्रम CSR भागीदारों का साथ मिला। दिल्ली से लेकर ओडिशा, राजस्थान से लेकर मेघालय, छत्तीसगढ़ के बीहड़ या बिहार के दूरवर्ती गांव, आरओ की आशा की किरण अब तक 18 राज्यों के 1200 से अधिक गांवों तक पहुंच चुकी है। विकास के लगभग सभी क्षेत्रों में आरओ की विशेषज्ञता है, जिनमें शिक्षा, कौशल विकास, जल एवं प्राकृतिक संसाधन, स्वास्थ्य, समग्र ग्रामीण विकास मुख्य है। पिछले 2 दशक से आरओ औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर 1000 से अधिक स्कूलों के 50,000 से अधिक बच्चों को लाभान्वित कर चुका है। इसी क्रम में औपचारिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए गांव के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, शौचालय, पीने का पानी आधारित संरचना सुनिश्चित की गई है। इसी के साथ गांव की आंगनवाड़ियों का कायाकल्प किया गया एवं लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। पढ़ो और बढ़ो एवं राइज के माध्यम से 10,000 से अधिक शहरी झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त उपचारात्मक शिक्षा देकर उनके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई गई और समाज की प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम किया जा रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को समझते और समझाते हुए आरओ ने अब तक 2,000 से अधिक घरेलू शौचालय, 500 से अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं नवीनीकरण करवाया है। इसके अलावा 10 सालों से निरंतर कराए जा रहे मदर एंड चाइल्ड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डेंटल एंड बॉडी हेल्थ, वॉश इत्यादि पर जागरूकता और शिविरों से 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 10 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ। एक गरिमामय जिंदगी की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक आजीविका उपार्जन का स्थिर मार्ग नहीं होता। युवाओं, महिलाओं और पुरुषों के कौशल विकास और आजीविका हेतु आरओ ने अनेक विकल्प उपलब्ध कराए हैं। 25,000 से अधिक युवाओं को कौशल विकास और उसके बाद नौकरी, ग्रामीणों के लिए स्वयं सहायता समूहों और व्यापार इकाइयों की स्थापना कर 22,000 से अधिक महिलाओं और युवाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाया गया।
50,000 से अधिक किसान आज आरओ द्वारा प्रदान किए गए बेहतर कृषि तकनीकों एवं बेहतर कृषि साधनों के साथ प्रधानमंत्री के दोहरी आमदनी उपार्जित करने के लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। आरओ द्वारा स्थापित 500 से अधिक किचन गार्डन कोविड महामारी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों के लिए पोषण और आमदनी का मुख्य स्रोत साबित हुए। कोविड महामारी के दौरान भी आरओ के कोरोना वॉरियर्स देश के कोने कोने में जरूरतमंद लोगों को राशन, सेफ्टी किट और रोजगार के अवसर दिलवा रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता एवं हर मुमकिन मदद मुहैया करवा रहे थे। जन एवं तंत्र के सामंजस्य से आरओ ने अब तक 100 एकड़ तालाबों का जीर्णोद्धार कर लाखों क्यूबिक टन पानी बचाया एवं बढ़ाया है। पानी बचाने के लिए खेती एवं दैनिक दिनचर्या में RWH, चेक डैम, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर जैसी पहल हुई, जो कि अत्यंत लाभदायी साबित हुई। तेजी से घटते पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों और खतरनाक पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर कुशल ऊर्जा प्रबंधन मुख्य चिंता का विषय बन गया है। आरओ का विश्वास है कि पर्यावरण संतुलन के लिए गांवों में खाना पकाने, प्रकाश और अन्य सुविधाओं के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना समय की आवश्यकता है। इसी अग्रिम सोच का परिणाम है कि आरओ द्वारा स्थापित 350 सौर्य चलित जल पंप, 2000 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट, मिनी होम लाइट, बायोगैस चूल्हा इत्यादि, जो कि ग्रामीण अंचल में सफल साबित हुए हैं। आरओ's major focus has always been on women's empowerment because we believe that women is central to any kind of development that our country needs. Women have to get equal rights, equal opportunities, and they have to live life with dignity and security. This is what we aim for. Together we can realize the dream of India being this most developed, most prosperous and most powerful nation in the world. किया है ये खुद से वादा, लाएंगे देश में विकास का परिवर्तन, आत्मनिर्भर होगा हर देशवासी, हम दिखाएंगे वो आशा की किरण।